स्टूडेंट्स, मैं रुपिंद्र सचिन गढ़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि हमें सर फिजिक्स के जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्पेशली लाइट चैप्टर के बारे में, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चा, हम आज करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। सो लाइट चैप्टर में बेटा जी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली उन टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं सबसे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो बेटा जी, अगर आपको पता होगा, आपने चैप्टर रीड किया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ, बेटा जी फोकल लेंथ का इससे क्या रिलेशन है। बेटा जी, अगर हम इस रेडियस कर्वेचर को हाफ कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक, ठीक है, फोकल लेंथ पे। सो हम बात कर लेते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर की लेंथ निकालनी है भाई, फोकल लेंथ। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 6 सेंटीमीटर। सो बेटा, एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस नोटेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, इस नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है R/2 = F। सो बेटा जी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहां से 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव आया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है। सो यहां से हमारे पास में एक और पॉइंट लिखने वाला हूं और वो पॉइंट है, दैट इज फोकल लेंथ के बारे में। तो बेटा जी, फोकल लेंथ हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ चाहे हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, चाहे कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, फॉर कन्वेक्स, मैं यहां पे मिरर या लेंस मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये आपका साइन कन्वेंशन है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ की बात करते हैं, अगर हम फोकल लेंथ फॉर कनकेव, बेटा जी हमेशा कनकेव के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां से आपको पता लग गया होगा, ये जो फोकल लेंथ आपकी आ रही है पॉजिटिव है, तो ये किसकी है बेटा जी, कन्वेक्स मिरर की है। ठीक है, ऐसी कन्वेक्स लेंस का भी केस अगर आता है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक है आपका वो रहेगा बेटा जी फोकल लेंथ के बारे में एंड पावर। सो फोकल लेंथ और पावर का क्या रिलेशन है। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं एक बार, बड़े ही छोटे छोटे टॉपिक है बेटा जी और छोटे ही टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक से एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी आपके 0.8 मार्क्स फिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहां से बेटा जी याद रखना है, जो पावर होती है दैट इज 1/फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब यहां से बेटा जी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 1/P। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या आस्क किया गया आपसे और उसी बेस पे हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 6D। टी बेटा डायोप्टर इसकी पावर को मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन कौन सा बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें जो चीज गिवन है बेटा उस चीज को ध्यान रखना है, हमें पावर की नहीं गिवन है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, 1/F, यानी 1/ यहां से आप पी आ जाएगा हमारा 1/6। सो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, बट यहां पे बेटा जी ध्यान रखनी है, ये आपकी लेंथ हमेशा मीटर में रहनी चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके सेंटीमीटर में है तो इसे कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन के बारे में, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में, ये फॉर्मूला मैं अभी राइट करके छोड़ दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास, ये तो एक पावर गिवन थी, इफ देयर आर द नंबर ऑफ लेंसेज आर गिवन, बहुत सारे लेंस हैं और उनको हमने कनेक्ट कर दिया है या अरेंज कर दिया है, ये उनकी पावर क्या होगा, फिर उनकी पावर को हम सर कैसे सोल्व करेंगे। इफ नंबर ऑफ लेंसेज आर गिवन, लाइक हम बात कर लेते, सबसे पहले जो फर्स्ट लेंस है उसकी पावर P1 है,
मान लेते ये आ गया डी, 6D। दूसरा लेंस है उसकी पावर है 4D। सो बेटे टोटल पावर क्या रहेगी, टोटल पावर रहेगी बेटा जी इन दोनों का समेशन, एल्जेब्रिक सम, यानी डायरेक्टली हम इसे ऐड कर देंगे, दैट इज 10D। गोट इट सर? अगर यहां पे एक पावर नेगेटिव हो जाए तो बेटा, अगर एक पावर नेगेटिव हो जा रही है यहां पर, तो यहां पे समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां जहां प्लस था ये प्लस रहेगा, ये माइनस 4D है। सो बेटा प्लस माइनस माइनस, और यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 6 - 4, दैट इज 2D। सो हमारे पास टोटल पावर हमारी आ जाएगी बेटा जी 2 डायोप्टर। ठीक है, अब यहां से अगर बेटा जी आपको फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये आपका मीटर में निकालना है, यहां पे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। अब ये 2 डायोप्टर है आपको बेटा जी, फोकल लेंथ आपकी यहां पर मीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/6 आपका आंसर आएगा। सेम एज अगर हमें इस पावर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सो बेटा जी 1/P = F, सो ये आ गया बेटा 1/2 सेंटीमीटर में, इसे यहां से निकाल दिया हमने, ये बन गया हमारा 50 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरीके से पावर निकालते हैं, और इस तरीके से फोकल लेंथ का रिलेशन है आपस में। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। सबसे ज्यादा बेटा जी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और इमेज ऑफ नेचर, नेचर का जो इमेज का जो नेचर है वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, उस पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये फॉर्मूलास को मैं राइट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा हो चुका है, आप तीसरा देखते हैं। साइन कन्वेंशन मैं रब नहीं करूंगा फोकल लेंथ के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो बेटा जी कुछ बुक्स में आपको ईटा दिखता है, आपके प्लस वन प्लस टू की बुक्स में इसे म्यू से डिनोट करते हैं, तो मिस्टेक कुछ नहीं है, दोनों सेम है, दोनों ठीक चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो क्या आएगा, पहले सोचने की बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन क्या आएगा। सो बेटा जी एक फॉर्मूला होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, चाहे वो एयर दे देगा या वैक्यूम दे देगा, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बेटा मीडियम वो यहां पे कोई भी चेंज कर सकता है, वो यहां कैरोसिन दे सकता है, डायमंड दे सकता है, ठीक है, ग्लास दे सकता है। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं। बट एक बात मैं आपको हमेशा कहूंगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी डिस्कवरी स्पीड ऑफ लाइट कर दी है, तो इसकी वैल्यू कम से कम याद तो कर ही सकते हैं ना, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में बात करो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। बट अगर मीटर में बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, लिख लेते हैं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा जी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का जो आपका न्यूमेरिकल है टाइप वन यहां से सोल्व हो जाएगा, टाइप वन का न्यूमेरिकल, और टाइप वन के न्यूमेरिकल में देख पा रहे हैं आप जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये बेटा जी न्यूमेरिकल में गिवन हो ना हो, यू मस्ट नो इट, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब यहां पे हमारा मीडियम क्या है, हमारा मीडियम है यहां पर ग्लास। सो बेटा जी ग्लास की वैल्यू क्या आ रही है, ग्लास में स्पीड की लाइट आ रही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, यूनिट से यूनिट कैंसल, 10⁸ से 10⁸ कैंसल, सो 3/2 यानी 1.5 यूनिटलेस है, यानी यहां से पता लगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिटलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यहां से हमारी आ गया आंसर। सो बेटा ये आपका टाइप वन का न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का, ठीक है। सर टाइप टू का न्यूमेरिकल कौन सा है, चलिए
टाइप टू का न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। चलिए भाई टाइप टू का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चन को रब करते हुए रगड़ते हुए। बट टाइप टू के न्यूमेरिकल में बहुत इजी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बड़ा मजा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक जब पता लग जाती है ना बच्चों को दिल खुश हो जाता है। बट शॉर्ट ट्रिक सिर्फ बनती क्वेश्चन से ही है, ठीक है, वो तो सारा क्वेश्चन ही है, बट उसको डायरेक्टली कंक्लूजन लिख देते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। वो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भाई एन से ईटा से लिखूंगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65 एंड वोटर, वोटर का बेटा जी देखते हैं, वोटर का है दे रखा है हमारे पास 1.33 यूनिट लेंस है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर। बेटा जी जो मैंने रेड कलर से लिखा है यहीं से आपका शॉर्ट ट्रिक बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ग्लास का और वॉटर का बेटा, लेकिन जब बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जी हमेशा रेशियो में आता है, मीन्स हम किसी की लाइट की कंपैरिजन मीडियम्स के साथ कर रहे होते हैं, वैक्यूम की मीडियम के साथ, एयर की मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। बट यहां पर क्या दिया है, यहां पे दे दिया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.65, लेकिन ग्लास का किसके साथ है। सो बेटा जी जब भी जैसे मैथमेटिक्स में आपके पास कोई नंबर नहीं होता है, जैसे 2 नंबर है तो 2 को आप लिख लेते हैं 2/1। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल में जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिंगल वैल्यू दी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.65, ठीक है। तो यहां पे हमेशा मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर है। सो लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ गया हमारे पास 1.65। सेम एज वॉटर, यहां पे बड़ा एक वर्ड लिखना रह गया मेरा, रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब ये आ गया कि जो ग्लास की वैल्यू 1.6 है एंड वॉटर की 1.33, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर, ये भी एयर के कंपैरिजन में है एंड दिस इज 1.33, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर। अब ये विद रिस्पेक्ट टू को उठा लो आप, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब ये जो विद रिस्पेक्ट टू के जो पहले है बेटा जी, ये सिंबल नीचे आएगा। कई बार क्या होगा, तो आपका एमसीक्यू राउंड स्टार्ट हो गया है तो एमसीक्यू राउंड में आपसे नोटेशन भी पूछ सकता है सीधा कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर का क्या नोटेशन है। सो ग्लास किसके, विद रिस्पेक्ट टू के बाद में क्या बेटा जी, वॉटर है। सो विद रिस्पेक्ट टू वॉटर, ये हुआ नोटेशन इसका, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल का तरीका बताता हूं आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल फाइंड करना है लास्ट में रफ वर्क में। अच्छा बेटा जी ये नीचे क्या है, ग्लास है, सही कह रहे हो। तो ग्लास वाला ये है बेटा जी, ठीक है। तो मैंने लिख लिया n इज इक्वल एन जी ए। अच्छा ये वॉटर का ऊपर है, शॉर्ट ट्रिक यही है बेटा जी, जिसकी वैल्यू नीचे है यहां पर नोटेशन में वो यहां ऊपर पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू यहां ऊपर है वॉटर की, ठीक है, उसकी वैल्यू हम नीचे पुट करेंगे, यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे हैं ग्लास की वैल्यू कितनी है 1.65, ठीक है, नीचे वॉटर की क्या बेटा जी 1.33। तो यहां से बेटा जी आपका आंसर निकल गया, ठीक है। सो इसको सोल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर। सर अगर वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे देता बेटा जी, वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास देता तो सीधा देखो, आपको यह सारा तरीका सिर्फ समझाने के लिए है। एक क्वेश्चन आप करोगे कि दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां बताया कि ग्लास नीचे है तो ऊपर ग्लास की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे वॉटर ऊपर है यहां नीचे लिख दी इसकी वैल्यू, उल्टा नीचे है, ठीक है। अब यहां वॉटर नीचे है बेटा तो इसकी वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, वॉटर की वैल्यू है 1.33। ये चीज आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना शॉर्ट ट्रिक से। यहां पर क्या है बेटा जी, ग्लास की वैल्यू 1.65, ये आ गया 1.65 नीचे की तरफ, और यहां से आपको क्लियरली विजिबल है जो ये डिनोमिनेटर है ये ग्रेटर है न्यूमरेटर से। सो आपकी वैल्यू
लेस देन वन आएगी, ठीक है, लेस देन वन आएगी, यानी वन लेस, वन सबसे बड़ा होगा, वन से छोटी ही आएगी, 0.9 आ सकती है, 0.85 आ सकती है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है वहां पर। तो ये तो था बेटा जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का शॉर्ट ट्रे, ठीक है। कुछ पावर के ऊपर क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, एक क्वेश्चन बेटा कर लेते हैं हमारा नेचर ऑफ इमेज पे, कि नेचर में वो पूछेगा कि रियल इमेज आ रही है कि वर्चुअल आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको न्यूमेरिकल करने से पहले साइन कन्वेंशन करने पड़ेंगे बेटा जी, साइन कन्वेंशन। सर ये कौन सी बीमारी बताई, चलो बीमारी का सोल्यूशन भी निकलेगा, डेंगू थोड़ी है इतना सारा, चलो आपको पता है ना ऐसा मौसम चल रहा है इस टाइम पे तो बहुत सारा कि डेंगू डेंगू हो रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा नेचर ऑफ इमेज, ये हमारा मतलब आपके सैंपल पेपर में बड़ा मेरा ना उस टाइम में जब मैं स्टूडेंट था ना मेरे को समझने में बड़ी दिक्कत होती थी क्वेश्चन भी कैसे करना है, सो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी बेटा, सक्सेस का एक ही रीजन होता है हमेशा सक्सेस का, ठीक है, प्रैक्टिस। जिस इंसान ने प्रैक्टिस कर ली ना उसको सारे शॉर्ट ट्रिक अपने आप पता लग जाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक होता कुछ नहीं है, जब आप क्वेश्चन को कंसेप्ट को डीपली स्टडी कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटअप बन जाता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, वही शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी, ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बाकी, ठीक है, सारी कंसेप्चुअल नॉलेज होती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहले मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, राइट साइड पे आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं बेटा जी, साइन कन्वेंशन को जानने के लिए आपको यह देखना होगा, मिरर की बात करते हैं पहले हम, हमारा क्वेश्चन आया है मिरर पे, तो मिरर का केस लेते हैं पहले, कन्वेक्स हो कंके वो मैटर नहीं करता, अभी बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। बेटा जी आपका मैंने लिया है कौन सा मिरर ले लिया मैंने आपका, ये बेटा जी ये आपका आ गया है कंकेव मिरर, ये पॉइंट को आप बोलते हैं पोल, ये पॉइंट आ जाता है बेटा जी फोकस, और उतनी ही दूरी पे आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा जी। आपका ऑब्जेक्ट इस साइड पे रहेगा लेफ्ट साइड में, एक चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इज टेकन एज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बेटा जी इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन में चलेंगे तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का है चाहे इमेज का है, ठीक है, हर डिस्टेंस जिसको हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे यानी टूवर्ड्स द मिरर लेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर की साइड पे जा रहे हैं और डिस्टेंस देख रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस साइड से मेजर किया अपोजिट साइड से देन उसे हम नेगेटिव लेंगे, समझ में आई बात। और हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि सारा डिस्टेंस आपको मेजर करना है फ्रॉम पोल, अगर हम पोल से मेजर डिस्टेंस करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पोल यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे बेटा जी, नेगेटिव, ठीक है, कन्वेक्स हो कंकेव हो, अगर यही चीज हमारी चली जाती है इस साइड पे, बेटा जी जब मिरर के बिहाइंड में जा रही है वो केस होगा आपका वर्चुअल इमेज का, ठीक है, वर्चुअल इमेज, तो वहां पर हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, समझ गए मेरी बात। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पहले हाईलाइट करते हैं, न्यूमेरिकल करने का बेटा जी एक ही फंडा है, जो भी कंसेप्ट गिवन हो सबसे पहले उसको लिख लो, जो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये होता है तरीका, एमसीक्यू राउंड है, ठीक है, अच्छी बात है, बट लेकिन एक दो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि इस तरीके से करना है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो है डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे चल रहा है अपोजिट है तो यहां पे आएगा माइनस,
इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। बेटा जी कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। सो बेटा जी यहां से आपका फोकल लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। फाइंड करना है आपको नेचर ऑफ इमेज। सो नेचर ऑफ इमेज बेटा जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिरर का फॉर्मूला। सर ये तो बताया ही नहीं है आपने, इसे आप कर देते हैं ठीक है। मिरर फॉर्मूला करते हैं एक बार। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा जी? मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बहुत छोटा सा डिफरेंस है ठीक है। अगर हम यहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख देते हैं, ये अगर लिख देते हैं ये बन गया बेटा जी आपका मिरर फॉर्मूला। अगर इसी की जगह पर प्लस की जगह इन दोनों के बीच में माइनस आ गया ये है आपका लेंस फॉर्मूला ठीक है। चलिए लेकिन अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो सर पॉजिटिव लेंगे। चलिए वी फाइंड करना है बेटा जी। देखो जो चीज गिवन है वो हमने लिख दी है, जो चीज फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u और फोकल लेंथ आपको दी है 15, वी आपको फाइंड करना है, यू डिस्टेंस पॉजिटिव प्लस डिस्टेंस तो हमारे माइनस में दिया हुआ है यानी -10। बेटा जी इसको देखेंगे, अच्छा प्लस माइनस माइनस, चलो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं सोल्व करके ठीक है। और ये आ गया आपका माइनस माइनस ठीक है। अच्छा ये माइनस का 10 है, जब ये इस साइड जाएगा बेटा जी तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है। 1/15 प्लस 1/10, क्या ये सही चल रहा है बेटा जी? देखते हैं कोई गलती तो नहीं है। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है हमने कन्वेक्स मिरर के केस में, वी हमने फाइंड करना है, यू हमारा बेटा जी माइनस में है ठीक है। इस माइनस को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस। एलसीएम बेटा जी या तो मैथमेटिक्स सोल्व कीजिए 15 और 10 का एलसीएम, या ऐसे देखिए कि ये दोनों एक ही टेबल पर किसको कट करते हैं। तो बेटा जी 15 tan 150 या तो 150 ले लीजिए सीधा एलसीएम ठीक है, और नहीं तो निकालिए एलसीएम 5 3 15 5 2 10 5 3 15 एंड 15 2 30 तो 30 पे भी कट जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं लेके जानी है तो एलसीएम बेटा लेंगे 2 and 3, ये बेटा जी आपके पास आ गया है 5/30 यानी इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके बेटा जी ये आएगा आपका 1/6। ये आ गई हमारी वी की वैल्यू 6, बेटा इसको रिवर्स कर देंगे 1/6 का 6 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर ठीक है बेटा जी। आप देखना ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो बेटा जी आपकी जो इमेज होती वो रियल और इन्वर्टेड बनती। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस में बेटा जी ये इसका मतलब है हमारी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। समझे मेरी बात? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर अगर ये माइनस आती तो ऐसा केस बताओ, इसी को हम माइनस कर लेते हैं। चलो देखो आप यहां पे हम देख लेते हैं ये कन्वेक्स नहीं है ये कनकेव मिरर है तो क्या होगा बेटा जी? यू तो माइनस रहेगा, फोकल लेंथ माइनस हो जाएगी। आप देखते हैं फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बेटा जी ठीक है। आप देखते हैं क्या निकलेगा आंसर। बेटा जी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो चुकी है -15 ठीक है, ये 1/v और ये 1/10, -10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। बेटा जी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ साइन का चेंज है ठीक है। -2 + 3 इज इक्वल टू 1/v, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा जी आ जाएगा 1/30 प्लस का आ रहा है बेटा जी। तो देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, और कुछ हो रहा है? अभी तक तो बेटा जी सही चल रहा है सारा का सारा। यहां से हमने ले लिया -1/15, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 15 2 3 चल रहा है बेटा जी 30। यहां पे भी बेटा जी वी आ रहा है हमारा प्लस का, ये भी हमारा किसका केस बन गया बेटा जी? किसका केस बना है? पॉजिटिव का, यानी ये भी रियल और इन्वर्टेड है, ये स्पेशल केस है। तो बेटा जी माइनस वाला केस कब आएगा?
तो बेटा जी माइनस वाला केस आता है, इसको हम और चेंज करते हैं, एक और ले लेते हैं जहां पर यही रहेगा। अब यहां ले लेते हैं बेटा जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, फोकल लेंथ 5 5, यहां से चेंज हो जाएगा, माइनस का केस कैसे बनेगा बेटा जी, -1/5 +1/10 =1/V। एलसीएम लेंगे बेटा जी 10 रहेगा, 5 2 10 और यहां से आ गया 1 1/V। बेटा जी 1/V की वैल्यू आ रही है आपकी -1/10, यहां से V हमारा आ रहा है -10। माइनस बेटा जी माइनस का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बन रही है, और जहां पे भी शॉर्टकट याद रख लेना, जहां पे रियल लगा है तो वो वर्चुअल नहीं होगी, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जहां पे वर्चुअल लग गया वहां हमेशा इरेक्ट लगेगा सीधा। समझ गए मुन्ना, ठीक है। तो बेटा जी ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। एक मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज कितना मैग्निफाई हुआ है ऑब्जेक्ट का। सो बेटा जी याद रखना है हमेशा लेंस और मिरर के केस में, अगर हम मिरर ले रहे हैं मिरर, तो बेटा जी ये फॉर्मूला आपको पता है मिरर का, इसका मैग्निफिकेशन रहेगा -V/U, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी ले देते हैं, अगर हमें इमेज का डिस्टेंस गिवन है, सो H'/H = -V/U, ठीक है। अगर सर लेंस की बात करते 1/F 1/V -1/U, ये हो गया लेंस फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन रहेगा V/U+ का, ये ध्यान रखना बेटा जी। और मैग्निफिकेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं H'/H = V/U। ये फॉर्मूला बेटा जी हमने तब यूज करना है जब हमें H का मतलब क्या बेटा जी, H का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इसको हम रद्द कर लेते हैं, इसका काम हो गया है। तो बेटा जी जब भी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन हो, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, ये आपको गिवन है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और डेफिनेटली आपको हाइट निकालनी होगी इमेज की, तो उस केस में बेटा जी ये फॉर्मूला लगेगा आपका। डेफिनेटली श्योरिटी दे रहा हूं 90% केसेस में आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए होंगे, ठीक है। अगर इसमें से एक भी नहीं दिया होगा, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला यूज होगा जो भी आपको दिया होगा। लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं लेंस की, सो लेंस में मान लीजिए आपको वी दिया है, एफ दिया है, तो यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो यू की वैल्यू आप यहां पुट करके H' की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा सिंपल है, कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट चैप्टर की वजह से जितने भी डाउट बनते थे वो सारे क्लियर हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।